आप देख रहे हैं दखल न्यूज। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा, राहुल गांधी का मोदी के सामने कोई राजनीतिक भविष्य नहीं। निर्भया के दरिंदों को माफी के मामले में वकील इंदिरा जयसिंह और सोनिया गांधी आए लोगों के निशाने पर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ की बढ़ रही है मुसीबतें, कांग्रेस विधायक सरकार के खिलाफ धरने पर। सांसद साध्वी प्रज्ञा को धमकी देने वाला पकड़ा गया, डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान खान ने दी थी धमकी। और कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आए दुकान में, व्यापारियों से जानी उनकी समस्याएं। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर तीखे शब्दों में कहा है कि राहुल गांधी का पीएम मोदी के सामने कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। केरल लिटरेचर फेस्टिवल में गुहा ने कहा कि पांचवी पीढ़ी के राजवंशी राहुल गांधी का कर्मठ नरेंद्र मोदी के सामने राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। केरल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद भेजकर विनाशकारी काम किया है। केरल लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन देशभक्ति बनाम अंतर्राष्ट्रीयता विषय पर अपनी बात रखते हुए इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा, मैं व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हूं, वे अच्छे हैं और संस्कारी हैं, लेकिन युवा भारत पांचवी पीढ़ी का राजवंशी नहीं चाहता। अगर आप लोग वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा राहुल गांधी को चुनते हैं तो इसके जरिए आप नरेंद्र मोदी को लाभ पहुंचाते हैं। उन्होंने केरला वासियों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों ने कई गलतियां की हैं, लेकिन राहुल गांधी को लोकसभा में भेजकर आपने विनाशकारी काम किया है। गुहा ने कहा, आजादी के दौरान महान पार्टी रही कांग्रेस अब दयनीय पारिवारिक कंपनी बन चुकी है। हिंदुत्व व अंधराष्ट्रवाद के विकास का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। And here I come to my complaint against Malayalis and Kerala. Why did you elect Rahul Gandhi to Parliament? I have nothing against Rahul Gandhi personally. He is a decent fellow, well-mannered fellow. But India does not want, young India does not want a fifth generation dynast. If you Malayalis make the mistake of re-electing Rahul Gandhi 2024, you are merely handing over an advantage to Narendra Modi. दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गुहा ने कहा, नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे राहुल गांधी नहीं हैं, वे सेल्फ मेड हैं। उन्होंने 15 वर्षों तक एक राज्य को चलाया है, उनके पास प्रशासनिक अनुभव है, वे बेहिसाब मेहनती हैं और कभी छुट्टी पर यूरोप नहीं जाते। विश्वास करें, मैं ये बातें पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। निर्भया केस में दरिंदों को फांसी देने में हो रही देरी के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा है कि निर्भया की मां को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रेरणा लेनी चाहिए और दोषियों को माफ कर देना चाहिए। इंदिरा जयसिंह के इस बयान पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा, इंदिरा ने 7 साल में कभी हमारा हालचाल नहीं पूछा, यह जानने की कोशिश नहीं की कि हम पर क्या बीत रही है और अब माफी की बात कर रहे हैं। इंदिरा जयसिंह को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी सोनिया गांधी पर निशाना साधा और कहा, सोनिया गांधी ने सिखों के प्रति कभी दुख जाहिर नहीं किया, न माफी मांगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जब 22 जनवरी को दी जाने वाली दोषियों की फांसी पर रोक लगाई तो निर्भया की मां का सब्र टूट गया। उन्होंने कहा कि अब कानून उन्हें परेशान कर रहा है। इसके बाद इंदिरा जयसिंह ने ट्वीट किया कि निर्भया की मां को सोनिया गांधी का उदाहरण देखना चाहिए, निर्भया की मां का दर्द हम सब समझ सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें सोनिया गांधी का उदाहरण देखने को कहूंगी जिन्होंने अपने पति की हत्या में शामिल नलिनी को माफ कर दिया है। यहां तक कि सोनिया नहीं चाहती कि नलिनी को फांसी की सजा हो,
इंदिरा की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़क गया और लोगों ने इंदिरा जयसिंह के साथ सोनिया गांधी को भी निशाने पर लिया है। दिलीप पंचोली नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, सोनिया गांधी के अपने पति के हत्यारों को माफ करने में राजनीतिक उद्देश्य निहित है। उसका उदाहरण देकर निर्भया की मां को अपनी बेटी के बलात्कारियों को माफ करने की सलाह देते हुए शर्म नहीं आती आपको? कहा जाता है कि फैसला और कानून इमोशनल नहीं देखा जाता है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे रोने से या इमोशनल से आप मत लीजिए, मत लेना देना करिए, लेकिन जो क्राइम हुआ है क्राइम को देखिए और अपने कानून की तरह मुजरिमों को फांसी दीजिए, क्योंकि आपके कानून में लिखा है कि रेयर द रेयर केस है तो उसको फांसी होगी, तो आप उस रेयर द रेयर केस निर्भया से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, तो आप अगर उनको फांसी दिए हैं वो मुजरिम है तो जल्द से जल्द उनको फांसी दीजिए। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी सोनिया गांधी पर निशाना साधा और कहा सोनिया गांधी ने सिखों के प्रति कभी दुख जाहिर नहीं किया, न माफी मांगी। इंदिरा जयसिंह का ये बयान कि निर्भय के बलात्कारियों और कातिलों को माफ कर दिया जाए, इसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूँ। इंदिरा जयसिंह का ये बयान राजनीति से प्रेरित है। एक तरफ आम आदमी पार्टी जो उन कातिलों को, उन बलात्कारियों को सजा देने से भाग रही है, उनको सजाए मौत को लटकाने को भाग रही है, और वहां इंदिरा जयसिंह का ये बयान आ जाना ये स्पष्ट करता है ये कोई एक खास मानसिकता के साथ उन कातिलों को बचाने की कोशिश की जा सकती है जिन्होंने एक नाबालिग एक ऐसी बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म किया जो दुनिया ने जिसको दुनिया को हिला के रख दिया। मैं ये मांग करता हूं इंदिरा जयसिंह से अपने इस बयान के लिए देश भर के लोगों से माफी मांगो। आपको कोई अधिकार नहीं है और उस मां का दर्द समझो जिसकी बेटी चली गई, जिसने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी उन कातिलों को सजाए मौत दिलाने के लिए। हम पूरे देश की तरफ से इंदिरा जयसिंह के इस बयान की जहां निंदा करते हैं वहां ये राजनीति से प्रेरित है। इंदिरा जयसिंह चंद पैसों के लिए बलात्कारियों का साथ दे सकती है, ऐसा हमने कभी कल्पना नहीं की थी। वो एक माँ भी है, एक औरत होने के नाते भी उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, एक माँ होने के नाते भी माफी मांगनी चाहिए, और ये राजनीति करने से उसको गुरेज करना चाहिए। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आपके राज में हो क्या रहा है? आपकी सरकार के खिलाफ आप ही के विधायक थक हार के धरने पर बैठ गए हैं। विधायक का कहना है हम अपने वादे ही नहीं निभा पा रहे हैं, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। कमलनाथ जी, इन इशारों को समझिए और हवा से जमीन पर आ जाइए, कहीं ऐसा ना हो जिन विधायकों के सहारे आपकी सरकार चल रही है वही विधायक आपका दामन छोड़कर किसी और को अपना नेता ना चुन ले। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आपके राज में जनता की हालत खराब है ये सभी जानते हैं, लेकिन आपके राज में विधायक और मंत्रियों की भी हालत खराब है ये कोई मानने को तैयार नहीं होता था, लेकिन अब आपकी कार्यप्रणाली से कांग्रेस के भीतर ही भीतर आपके खिलाफ माहौल बन रहा है। अलग अलग गुटों में बटे कांग्रेसी भी ये कहने लगे हैं कि आपकी सरकार राम भरोसे चल रही है, काम कुछ हो नहीं रहे, माफियाओं के नाम पर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या मंत्री, क्या विधायक, सब खून के आंसू रो रहे हैं। अब ग्वालियर के विधायक मुन्ना लाल गोयल को ही ले लें, उनकी माने तो आपके पास समय ही नहीं है। गोयल ने आपको पत्र भी लिखा लेकिन आपने विधायक को तवज्जो देना ही उचित नहीं समझा। कमलनाथ जी, आप ये बात भूल गए हैं कि आप इन्हीं विधायकों के दम से मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ जी, आप भले ही हमने ये किया हमने वो किया कहकर अपनी पीठ खूब थपथपाते रहें, लेकिन मुन्ना लाल गोयल जैसे विधायकों का रुख तो ये बताता है आपकी सरकार विधायकों की कसौटी पर भी खरी नहीं है। विधायक मुन्ना लाल गोयल आपकी सरकार के खिलाफ विधानसभा के पास धरने पर बैठ गए। मुन्ना लाल भूमिहीनों को पट्टा नहीं मिलने से अपनी ही सरकार से खासे नाराज है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 1200 भूमिहीन लोग हैं जिन्हें पट्टा देने का वादा किया गया था,
लेकिन सरकार में आते ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। विधायक का कहना है, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में भूमिहीनों को पट्टा देने का वादा किया था। 6 महीने पहले जब विधानसभा में क्वेश्चन लगा चुका हूं, विधानसभा में ध्यान प्रस्ताव के माध्यम से मेरी बात रखा चुका हूं, और सरकार ने और मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पट्टे मिल जाएंगे, नहीं मिले हैं। मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया कि विधानसभा क्षेत्र के गरीबों को पट्टे दिए जाएं, ये वचन पत्र में है, पट्टे नहीं मिले हैं। इसलिए मजबूर होकर मैं धरने के माध्यम से उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके वचन पत्र में ये बात शामिल है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, वचन पत्र के मुताबिक प्रदेश के चाहे गरीब हों चाहे मेरे विधानसभा के गरीब हों, उन गरीब भूमिहीनों को पट्टे देने का काम सरकार करे। कमलनाथ जी, ये सब तो ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसे में आप अपनी सरकार की उपलब्धियां सर्च लाइट लेकर ढूंढने जाएंगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। विधायक मुन्ना लाल गोयल सिंधिया खेमे के मुखर विधायक हैं, इसीलिए वे आपसे सीधे सीधे संवाद कर रहे हैं। उनका आरोप है कि विधायक और मुख्यमंत्री के बीच में संवादहीनता हमेशा बनी रहती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप जनता के बीच जाते नहीं हैं। विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के विधायकों को आप समय नहीं देते, तो फिर सरकार आप किसके कहने से चला रहे हैं? कमलनाथ जी, आपके लोगों ने ही आपकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आपने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आपकी पार्टी के विधायक लक्ष्मण सिंह और हरदीप सिंह डंग ने आपको आईना दिखा दिया। गाडरवारा से कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल को तो मंच से आपके सिस्टम को कोसना पड़ा, और उन्होंने कहा रेत उत्खनन पर सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। ऐसे में मुन्ना लाल गोयल का सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना यह बताता है कि पहले साल में आपकी सरकार जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं कर पाई है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी भरा लेटर भेजने के मामले में एमपी एटीएस ने महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान खान को गिरफ्तार किया है। एटीएस उसे भोपाल लाकर पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर सैयद धारे गांव में क्लिनिक चलाता है। सांसद साध्वी प्रज्ञा को धमकी भरा पत्र भेजने वाला संदिग्ध डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान खान नांदेड़ के थाने गांव से पकड़ा गया। वह करीब 3 महीने से पुलिस की रडार पर था। डॉक्टर सैयद इसके पहले भी कई सरकारी अधिकारियों को इसी तरह के धमकी भरे पत्र लिख चुका है। उसे पहले भी इस तरह के केस में गिरफ्तार किया गया है। यह बात भी सामने आ रही है कि महाराष्ट्र पुलिस उस पर निगाह रखने के लिए उसकी मोबाइल लोकेशन पर नजर रखती है, लेकिन डॉक्टर सैयद अपना मोबाइल घर पर छोड़कर बस से औरंगाबाद, नागपुर और अन्य शहरों में पहुंचा और इन पत्रों को पोस्ट कर दिया करता था। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पिछले दिनों एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के फोटो पर क्रॉस बना हुआ था। इसके साथ ही लेटर में आतंकी हमले की धमकी भी दी गई थी। सांसद की शिकायत पर भोपाल की कमला नेहरू थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। छत्तीसगढ़ राज्य का वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का होने का अनुमान है। सरकार नए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर आम जनता से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। पहले ऐसा होता था कि सरकार खुद ही बजट तय करती थी और विधानसभा के बजट सत्र में उसे पेश करती थी, लेकिन अब आम जनता से भी राय लेना चाहती है, जिससे बजट में जन आकांक्षाओं के काम को प्राथमिकता क्रम में रख सके। इस बार बजट 1,00,000 करोड़ के पार जाने की संभावना जताई जा रही है। गत वर्ष 2019-20 का मूल बजट 95,899 करोड़ का था। बाद में 3 बार अनुपूरक बजट पेश हुआ। इसके बाद कुल बजट 1,07,87 करोड़ रुपए पहुंच गया। इस लिहाज से इस बार का बजट 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा, ऐसा अनुमान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट में जारी पोस्टर में कहा गया है कि हमारी सरकार ने विरासत में मिली समस्याओं और सीमित संसाधनों के बावजूद बीते 1 साल में छत्तीसगढ़ में जन जन के विकास और खुशहाली का रास्ता बनाया। जन विकास और जन विश्वास से हमने
गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का अभियान शुरू किया, जिसे आप लोगों का भरपूर समर्थन और सक्रिय सहयोग मिला। विदिशा में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आम लोगों जैसा व्यवहार करने का प्रयास करते नजर आए। सिंधिया कुछ व्यापारियों से मिले, उनसे बातचीत की और बाजार में कुछ दुकानों में जाकर भी बैठे। ग्वालियर रियासत से जुड़े कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया विदिशा के बाजार में आम दिखने का प्रयास करते नजर आए। विदिशा में उन्होंने व्यापारियों से चर्चा की और कई सामानों की कीमत जानी। सिंधिया ने पहले के रेट और वर्तमान कीमतों पर व्यापारियों से तुलनात्मक चर्चा कर यह जानने की कोशिश की कि महंगाई कितनी बढ़ी है और इससे लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिंधिया एक किराने की दुकान और एक जनरल स्टोर में पहुंचे। यहां दुकानदारों से सिंधिया को टॉफी खिलाई, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने व्यापारियों की समस्याओं को समझने की कोशिश की। सिंधिया ने कुछ सामानों को नजदीक से देखकर उनकी एमआरपी को भी देखा। सिंधिया गुना से चुनाव हारने के बाद से अपने बिहेव में काफी बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं और ये अब उनकी कार्यप्रणाली में भी नजर आने लगा है। जांजगीर चांपा के अकलतरा नगर पालिका में भाजपा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आमंत्रण नहीं मिलने की बात कहते हुए जमकर हंगामा किया और धक्का मुक्की कर दी, जिसके बाद कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। हालांकि भाजपा ने कलेक्टर से इसकी शिकायत भी की है। छत्तीसगढ़ के अकलतरा नगर पालिका में भाजपा से चुने गए अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण समारोह होना था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामे के बाद इसे निरस्त करना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए कहा कि भाजपा ने उन्हें कार्यक्रम का आमंत्रण क्यों नहीं दिया। इस पूरे हंगामे के दौरान क्षेत्रीय सांसद गुहाराम अजगले, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष नारायण चंदेल, विधायक सौरभ सिंह को आमंत्रित किया गया था, मगर हंगामे की वजह से नगरपालिका अधिकारी ने पदभार ग्रहण समारोह ही निरस्त कर दिया, जिसके बाद नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने नव निर्वाचित अध्यक्ष शांति भारते के साथ कलेक्टर से मुलाकात कर इस पर आपत्ति दर्ज कराई और कांग्रेस की कार्यप्रणाली की निंदा करते हुए वैधानिक कार्यवाही की मांग की। नव निर्वाचित अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण था, तो कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाया गया। हम लोग वहाँ गए और पता चला कि कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया और इसकी किसी प्रकार की कोई भी जानकारी आमंत्रित अतिथियों को नहीं दिया गया। इस विषय पे हम जिला कलेक्टर महोदय जी को लिखित में हमने जानकारी दिया है और निवेदन किया है कि इसका जो भी विधि सम्मत जो भी कार्यवाही इस पर प्रायोजित है उसको करें। भाजपा नेताओं ने हंगामे के दौरान कांग्रेसियों के द्वारा महिलाओं के साथ बदसलूकी का आरोप भी लगाया है। गौरतलब है कि अकलतरा में 20 सदस्यों की परिषद में भाजपा के 8 पार्षदों ने 4 निर्दलीय पार्षदों के साथ मिलकर शांति भारते को अध्यक्ष बनाया है, जबकि कांग्रेस के भी 8 पार्षद जीत कर आए, लेकिन निर्दलियों का साथ न मिलने के कारण वे अपनी पसंद का अध्यक्ष नहीं बना पाए, जिसकी वजह से शुरू से ही राजनीतिक उठापटक जारी थी। अकलतरा नगर पालिका में जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है उसका पद ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसको अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया। उसके विरोध में जो है स्थानीय विधायक, सांसद, यहाँ के लोकल विधायक, ये लोग आए थे अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करने के लिए। ये तो पुलिस को कार्रवाई करना है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज।
संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के केंद्र सरकार पर पुलवामा को लेकर सवाल खड़े किए और कहा, पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा? पुलवामा की घटना की जांच अब तक क्यों नहीं की गई? बघेल ने राजनीति को लेकर कहा कि राजनीति भी दुर्घटना की तरह है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में नवनिर्वाचित महापौर, सभापति, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्षों और पार्षदों का सम्मान किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया मौजूद रहे। इस मौके पर भूपेश बघेल ने कहा, जब जीते तो वार्ड में जश्न मनाया, अध्यक्ष बनाया गया तो शहर में जश्न मनाया। इस जीत का श्रेय जमीनी कार्यकर्ताओं को जाता है। आपकी जीत ने छत्तीसगढ़ को देश में एक नई पहचान मिली है। आज राजनीति में बहुत स्पर्धा हो चुकी है, राजनीति भी दुर्घटना की ही तरह है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सबको सरकारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए ताकि हितग्राहियों को लाभ दिला सके। पुलवामा का जिक्र करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स पहुंचा कैसे? इसके लिए डीएसपी देवेंद्र ने ही सहयोग किया, अफजल गुरु को भारत पहुंचाने में मदद की थी। पुलवामा की घटना की जांच अब तक क्यों नहीं की गई है? अब ये 7 महीने में जितनी तकलीफ दी, लोग सड़क में आ चुके हैं। मैं आपको एक याद दिलाना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव के समय पुलवामा की घटना घटी थी जिसमें 40 हमारे जवान शहीद हुए थे, पूरा देश उठ खड़ा हुआ था। और उस समय हमने एक सवाल किया था कि जिस सड़क पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसमें 350 किलो आरडीएक्स लेके पहुंचा कैसे? उसी गाड़ी को टक्कर कैसे मारी जो बख्तरबंद नहीं था, बुलेट प्रूफ नहीं था? और सवाल हमने ये भी किया था, आज इसकी जांच क्यों नहीं हुई? मैं ये सवाल अभी भी कहता हूं, हमारे 40 जवान शहीद हुए, लेकिन भारत सरकार ने कोई जांच नहीं कराई। आखिर जिम्मेदार कौन है? अभी जिस प्रकार से डीएसपी पकड़ाया है देवेंद्र, ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि वही देवेंद्र है जो पुलवामा के घटना के समय वहां पदस्थ था। ये वही देवेंद्र है जो अफजल गुरु को पहुंचाने का काम, दिल्ली पहुंचाने का काम किया है। ये सारी जानकारी छन छन के आ रही है। तो सवाल इस बात का है कि आज देश में जो बातें हो रही है, अमित शाह जी कहते हैं ये क्रोनोलॉजी है, CAA, NPR, NRC और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कोई NRC लागू होने वाला नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो सही है कि गृह मंत्री जी कह रहे हैं वो सही है? लगता तो ये है ये दोनों के बीच में मन मुटाव हो चुका है और इसके कारण से पूरा देश पीस रहा है। जीवाजी विश्वविद्यालय का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विश्वविद्यालय में आए दिन एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। छात्रों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में NSUI महासचिव सचिन द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद NSUI के कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और जीवाजी विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता शुक्ला की नेम प्लेट पर कालिख पोत दी गई और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। NSUI महासचिव सचिन द्विवेदी को गिरफ्तार कर जेल भेजने से गुस्साए NSUI के कार्यकर्ताओं ने सरकारी बंगले के बाहर लगी जीवाजी विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता शुक्ला की नेम प्लेट पर कालिख पोती और कालिख पोतने का वीडियो बनाया। NSUI के व्हाट्सएप ग्रुप पर यह वीडियो वायरल कर दिया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें मामला क्या है। असल में जीवाजी विश्वविद्यालय में NSUI के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार व अन्य अव्यवस्थाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया था। अधिकारी व प्रोफेसरों पर गंभीर आरोप लगाए थे। NSUI के पदाधिकारियों ने रात भर कुलसचिव के ऑफिस में बिस्तर डालकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी।
तो पुलिस बुला ली गई। पुलिस ने एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव सचिन पर लोक सेवक के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया। सचिन के साथ एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सहित सभी ने गिरफ्तारी दी। पुलिस ने सचिन को एसडीएम कोर्ट में पेश किया, एसडीएम ने उसे जेल भेज दिया। जेयू व पुलिस की इस कार्रवाई से एनएसयूआई के पदाधिकारी आग बबूला हो गए। उच्च शिक्षा मंत्री को फोन कर पूरी हकीकत बताई, साथ ही स्थानीय विधायकों को भी चेतावनी दी कि अगर ऐसा चला तो सभी कार्यकर्ता अपना इस्तीफा दे देंगे। एनएसयूआई के कार्यकर्ता जीवाजी विश्वविद्यालय की परीक्षा रीओपन व टेंडरिंग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। कार्यकर्ता कुल सचिव आई के मंसूरी के ऑफिस में बैठ गए। कार्यकर्ता कुल सचिव से लिखित में आश्वासन मांग रहे थे कि शर्मा सिक्योरिटी को जो टेंडर दिया जा रहा है उसे निरस्त किया जाए, क्योंकि यह कंपनी पहले से ही ब्लैकलिस्टेड है। पदाधिकारियों का कहना था कि परीक्षा कार्य में व्रतियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। परीक्षा अहम कार्य है, परीक्षा की चिंता क्यों नहीं की जा रही, सिर्फ उन्हीं कामों को क्यों देखा जा रहा है जिसमें अधिकारियों को पैसा मिल रहा है। छात्रों को होने वाली समस्याओं को पहले दूर किया जाए। उन्होंने कुल सचिव को चेतावनी दी थी कि अगर लिखित में कार्रवाई का आश्वासन नहीं देते हैं तो पूरी रात आपके ऑफिस में बैठेंगे, रजाई व गद्दे मंगवा लिए। एनएसयूआई के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए विश्वविद्यालय थाना पुलिस को बुला लिया गया, साथ ही वज्रवाहन भी आ गया। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, सचिन द्विवेदी के साथ जिला अध्यक्ष जीतू राजौरिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने गिरफ्तारी दी। सचिन को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, लोक सेवक के आदेश की अवहेलना के आरोप में उसे जेल भेज दिया गया। इनकी बाउंड ओवर की कार्रवाई है वो चल रही है वैधानिक। नहीं नहीं, अभी हमने किसको सचिन को केवल यहाँ लाया है, बाउंड ओवर के उल्लंघन की कार्रवाई है, कार्रवाई चल रही है। छिंदवाड़ा में एक और जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम वर्ग के लोगों ने एनआरसी और सीए का विरोध करते हुए रैली निकाली। इस दौरान भाजपा ने जहां इस कानून को देश हित में बताया, तो वहीं मुस्लिम वर्ग ने रैली में आजादी के नारे लगाए। छिंदवाड़ा में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर जहां भाजपा ने समर्थन में तिरंगा यात्रा रैली निकाली, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय ने इस कानून और मोदी सरकार के विरोध में रैली निकालकर आजादी के नारे लगाए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूरे शहर में रैली निकालकर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों को बताया कि कांग्रेस लोगों को बहका कर भ्रम फैला रही है और राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। भाजपा का कहना है कि इस कानून से किसी भी देशवासी की नागरिकता नहीं जाएगी। इस कानून का लोगों के बीच दुष्प्रचार किया जा रहा है। भारतीय लोगों को इस कानून से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हिंदू मुस्लिम से मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम और करथुआ वन परिक्षेत्र अधिकारी के सहयोग से अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण बचाने और जानवरों की सुरक्षा संबंधित जानकारी दी गई। इस मौके पर स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक रहने को भी कहा गया। सिंगरौली में मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अनुभूति कार्यक्रम कराया गया। कार्यक्रम में वन परिक्षेत्र अधिकारी आर एन जायसवाल, सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी आर एन तिवारी एवं प्रशिक्षु एसडीओ बघेल के द्वारा पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं। इस दौरान एसडीओ ने पर्यावरण बचाने के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने लोगों से जंगली जानवरों और जंगलों को नुकसान न पहुँचाने की अपील की। उन्होंने कहा, वनों से ही वर्षा होती है, इसीलिए पेड़ पौधों की सुरक्षा करें, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। ये अनुभूति कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश शासन इको टूरिज्म बोर्ड की तरफ से वन विभाग के अंतर्गत आता है। उनके तत्वावधान में ये पूरे मध्य प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसका मूल उद्देश्य है कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति, जंगलों के प्रति, जंगल में जो जानवर रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है, जल वायु प्रदूषण हो रहा है, उससे बच्चों को जागरूक करना है, जिससे कि और साथ ही इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वच्छता अभियान है कि उसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, तो उस बारे में भी जानकारी बताई जा रही है। कार्यक्रम में स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम भी किया गया, साथ ही आसपास के स्कूली बच्चों को नई तरह की प्रतियोगिता जैसे जलेबी दौड़, आँख मिचौली सहित विभिन्न तरह के आयोजन किए गए।
बाद में बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। स्वच्छता में नंबर वन आने के लिए भले ही नगर निगम लाख दावे कर रहा हो, जगह जगह कचरा उठाने के लिए गाड़ियां गाना बजाते आ रही हो, मगर गली मोहल्लों में लोगों का धूल से जीना दूभर हो गया है। आए दिन कभी भी कहीं भी सीवेज के नाम पर या कभी भी पानी की लाइन के नाम पर सड़क खोद दी जाती है, जिससे आना जाना तो मुश्किल होता ही है, साथ ही गंदा बदबूदार पानी सड़कों पर बहता रहता है। स्वच्छता में भोपाल नंबर वन बनाने के लिए नगर निगम स्वच्छता को लेकर मुहिम चला रहा है। साफ सफाई, स्वास्थ्य और स्वच्छ भोपाल के नारे नगर निगम के वाहनों में गूंज रहे हैं। संत नगर में भी सफाई को लेकर नगर निगम विभिन्न चौराहों पर गलियों में लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर जागरूक कर रहा है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और है। जो नगर निगम जोन एक कार्यालय के पास स्थित वार्ड चार गुरुद्वारे के पास सीआरपी कॉलोनी नगर निगम ऑफिस के पीछे देखने को मिली, जहां लगभग 20 दिन पहले सीवेज लाइन के लिए रोड को खोद दिया गया था, जो आज तक ठीक नहीं हुई। यहां सीवेज का गंदा और बदबूदार पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे खुदाई में निकली हुई मिट्टी में मिलकर वो कीचड़ में तब्दील हो गया है। यहां पैदल चलना तो नामुमकिन है ही, दो पहिया वाहन फिसलने से लोग रोज गिरते हैं। रास्ता पूरी तरह से खराब होने के कारण स्कूल बसें और वैन नहीं आ पाती हैं। बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। स्कूल बस न आने के कारण क्षेत्र के रहवासियों को अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ रहा है। गंदगी की समस्या की जानकारी क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम के आला अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही कोई समाधान निकाला जा रहा है। कि रोज लगभग 15 से 20 लोग यहाँ पर गिरते हैं और काफ़ी लोग घायल भी हो चुके हैं। यह मार्ग यहाँ गुरुद्वारा भी है, यहाँ पर लोग मंदिर भी आते हैं, रेलवे स्टेशन के लोग भी यहाँ से जाते हैं। लगभग आधी आबादी यहाँ से गुजरती है, उसके बाद भी रोड की हालत बेहाल लग पड़ा है और स्कूल की बसें भी यहाँ नहीं आ रही हैं। बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है, बच्चों को काफ़ी दूर तक छोड़ने जाना पड़ रहा है, बल्कि हमारी कॉलोनी में बसें भी नहीं आ पा रही हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे रोडों की क्या स्थिति है। हमने काफ़ी बार नगर निगम के काफ़ी अधिकारियों को बताया भी है कि उनको हमारे यहाँ ये परेशानी है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। बस वो आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं। 15 से 20 दिन पहले सीवेज लाइन के लिए सीआरपी के रोड नगर निगम द्वारा खोदे गए थे, लेकिन उसके बाद नगर निगम द्वारा इसकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। रोज़ यहाँ पर बहुत सारे लोग, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो यहाँ इस कीचड़ में गिर जाते हैं, उसके बाद न वो स्कूल जा पाते हैं और घायल हो जाते हैं। भोपाल नगर निगम का नंबर वन का जो सपना चल रहा है, अगर अधिकारी यहाँ अंदर आके देखें तो उनको इस हकीकत की पूरी हकीकत पता चल जाएगी कि कैसे भोपाल नंबर वन आने लायक नहीं है, ना ही नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान है। विधायक जी को भी लेटर दे दिया, लिखित में दिया हुआ, विधायक जी को मैंने खुद अपने नाम पे दिया है, पेपर में कई बार अपने नाम पे दिया, रामदयाल भाटी के नाम से। करने की बात नहीं है, पब्लिक परेशान है, महिलाएँ परेशान है, महिलाएँ आती कुटिया पे, माँ बहन आती, बच्चे निकलते हैं, कई अगर रास्ते टूट गए, ना नालियाँ बन रही, ना ताप तबाही भी नहीं हो रही है, तबाही की हालत जगह देखी है, करा सकती है। कांकेर जिले का पहला डिजिटल नाका मरोड़ा में बनाया गया। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए नाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा होने के कारण इस इलाके से धान की अवैध तस्करी की जाती है, जिसे रोकने के लिए इस नाके पर अपडेट कर डिजिटल नाका बनाया गया है। कांकेर जिले का पहला डिजिटल नाका मरोड़ा में लगाया गया है। क्षेत्र को 500 मीटर तक कवर करने के लिए कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कोई भी गाड़ी वाला नाका कर्मी से अभद्र व्यवहार ना कर सके। बताया जा रहा है कि नाके में सभी दस्तावेज दिखाने के बाद ही गाड़ी छोड़ी जाएगी। यह क्षेत्र महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा होने के कारण यहां से अवैध धान की तस्करी की जाती है, साथ ही अवैध परिवहन का कार्य भी किया जाता है। तस्करी और अवैध परिवहन को रोकने के लिए इस नाके को अपडेट कर डिजिटल नाका बनाया गया है। सिंगरौली में यातायात पुलिस ने 31वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए अनूठी पहल की। यातायात पुलिस ने साइकिल रैली निकालकर लोगों को अपनी सुरक्षा के साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का संदेश दिया। सुरक्षा सप्ताह के समापन के अवसर पर सिंगरौली में पुलिस ने अनूठे तरीके से साइकिल रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। साइकिल रैली का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। पिपरा झांपी सरपंच रूपेश पांडे व खुटार सरपंच बाल मुकुंद सिंह परिहार द्वारा रैली में शामिल लोगों को माल्यार्पण किया।
इसके साथ ही पुलिस ने आमजनों को अपनी सुरक्षा के साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का संदेश दिया। इस अवसर पर एसडीओपी डॉक्टर कृपा शंकर द्विवेदी ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई और कहा कि आपका घर में कोई इंतजार कर रहा है। अपनी और घर में इंतजार कर रहे परिवार के बारे में सोचें और यातायात के नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। ये रैली बरगवा थाने से शुरू होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में संपन्न हुई। लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्घटनाओं की संख्या घटी है पहले से काफी, लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि अगर एक व्यक्ति की भी जान जाती है तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत ही जनक, हमें वो भी स्वीकार निकट भविष्य में और भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।